जयपुर स्थित एसएमएस मेडिकल कॉलेज में मेडिकल डिवाइस मॉनिटरिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इसके जरिए किसी भी उपकरण के खराब होने पर उसकी जांच के लिए शिकायत की जा सकेगी। कॉलेज के प्रिंसिपल और कंट्रोलर डॉक्टर सुधीर भंडारी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस मॉनिटरिंग प्रोग्राम के जरिए मेडिकल उपकरणों की जानकारी दे सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मैटेरियो विजिलेंस प्रोग्राम के अंतर्गत मेडिकल डिवाइस एडवर्स इवेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है। एसएमएस हॉस्पिटल को एक नोडल इंस्टीट्यूट की तरह मेडिकल कॉलेज को अपॉइंट किया गया है। ये मेडिकल डिवाइस एडवर्स इवेंट एक इतना अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम है कि कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट जो कि प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, किसी ने परचेज़ किया है, ये पर्सनल इक्विपमेंट भी हो सकते हैं और हॉस्पिटल में यूज इक्विपमेंट भी हो सकते हैं। अगर वो मेडिकल इक्विपमेंट स्टैंडर्ड वाइज काम नहीं कर रहे हैं तो ये आगे जाके पेशेंट को हार्म कर सकते हैं। अतः उनकी गुणवत्ता को मॉनिटर करने के लिए ये मेडिकल डिवाइस एडवर्स इवेंट रिकॉर्डिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। बहुत आसान तरीका है कि अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन फार्माकोविजिलेंस की ADR एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्ले स्टोर से और बड़े आसानी से जैसे दवाइयों को रिपोर्टिंग की जा सकती है, ऐसे ही मेडिकल डिवाइस की रिपोर्टिंग की जा सकती है। एक बहुत आसान तरीका है। उसके अलावा उसकी वेबसाइट पे जाके और फॉर्म डाउनलोड करके भर के किया सकता है। तीसरा बहुत आसान ऑप्शन है, हेल्पलाइन नंबर जो दिया हुआ है इस वेबसाइट पे, उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके की जा सकती है। क्वालिटी इक्विपमेंट की क्वालिटी या साइड इफ़ेक्ट होने का कोई भी इंडिविजुअल पेशेंट कर सकता है, कोई भी डॉक्टर्स कर सकता है, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल पैरामेडिकल स्टाफ या किसी तरह का स्टाफ, कोई भी इस चीज़ की रिपोर्टिंग कर सकता है।